यहाँ चंडीगढ़ में हूँ पिछले 2 दिन से, और थोड़ा सा अजीब मेरे को लगा पहली बार कि ये किस तरह की जिंदगी है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको हम कबूतर खाना या चिड़िया घर से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये कबूतर खाने यहाँ पर हैं। हालांकि इसको जो मॉडर्न लोग हैं वो इसको बोलते हैं कि हमने यहाँ पर फ्लैट ले रखे हैं, बड़े बड़े फ्लैट, और शहरी जिंदगी हम जी रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को पता लगा कि इन लोगों को एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता है। ये यहाँ पर अगर पड़ोसी को कोई दिक्कत हो जाती है, अगर मर भी जाता है ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो इसको मैं कबूतर खाने से बढ़कर कुछ नहीं कहूंगा। तो इस पे हमारा जो साथी है सतवीर, ये भी यहाँ है, ये पूरी तरह से इसको निहार रहे हैं भी क्या जिंदगी है, किस तरह का है, तो इनका अनुभव क्या है वो हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी सतवीर जी, क्या लगता है ये जिंदगी क्या है? भाई जी 2 दिनों में आ रहा हूँ, और मैं ये दुनिया में सारा हूँ वो सुखी आदमी हूँ, लेकिन अठा दुखी हूँ। कारण क्या है कि मैं गामा में पढ़िया बढ़िया बहुत सारे लोग होगा कि, तो आजकल एक वो विदेश आ रहा हनुमान चादरे प्रोग्राम में पीछा कर रही हूँ, बर्बाद करके लोग विदेश में पोस्ट भी डाल रखी है। बड़ी गजब पोस्ट, मैं चंडीगढ़ में आगे भी तुम्हारी जो नस्लें खराब हो रही हैं उस पे विचार करना चाहता हूँ। मैं गाँव में रहा, देहाती आदमी लोगों का देसी है कि पल्ला कोनी, अपने गंज को गामा में बैठे वहां लोगों गंज को पल्ला है, भैया कबूतर खाना में जगह चिड़ियाघर में बैठे। मैं उरे 2 दिन हुआ चीज पहले कल आयो जो लागो देखने, अब मैं पिछले 3 घंटा हुआ बात सोचने लाग रहे हो कि वो जो कूंटारो है ऊपर, जो कूंटारो है 10 मंजिल ऊपर है, बिंग में जो आदमी है वो जगह मर गयो, तो बिना वह घर का जो कोई घरे ना, तो वो बैठा पड़ो रहा, वो जत्ता ही मांगा बिंगी बांस न्याण ला जी। फिर रही बात है, अब मासा बस पड़ोस में मेज का फ्लैट में रुक रहा हूँ, ना मारी बोल बतला है, ना मारो कोई लेनो देनो है। गम में अगर मर भी गया तो 5 आदमी चक्की ले जाने वाला ही होगा, 50 आदमी खोपरा घी गिरने वाला ही होगा। अब रही बात है थारी मोडरन की, थारे चंडीगढ़ की या गुड़गावा की दिल्ली की बात है, वो 12x12 का 3 कमरिया है, 3 BHK केवल BHK फ्लैट बोले, वो 4 और 4 कमरा हो गया 12x12 का, 18 फ्लैट आईडी मारा वहां खड़वा है। अच्छी 88 बिना नहीं, एक मिनट जो कोई आदमी बिना ऐसी रह जा तो अपन फिटे कह दियो, अपन अपने टली तला माथो डाल लियो, पंखा चला 7 आड़ा रेन ला रहे, ऐसी चलो कई कहीं चौचला लागे ऐसी लगाने लागे। फिर रही बात इनकी कीमत है, वो चंडीगढ़ है कमो कम है 30-40 किलोमीटर, 25 तो है ही है। चंडीगढ़ को लोग कहते हैं चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़ को रहे जो एक्चुअल में चंडीगढ़ है वो 25-30 किलोमीटर दूर है बैठा, तो और ज्यादा अठा कीमत आएगी 12x12 का 4 3 कमरिया एक रसोई है, दो हम लेट बात अच्छा है, इनकी 70 लाख रुपया कीमत, 70 लाख रुपया। तो सीधी सी बात है, एक बात और सतवीर है, ऊपर की बनाना चाहो तो बना कौन, उसके नीचे की अधिकार ही को नहीं आगे नहीं, तो है वो ऊपर चढ़ने कौन दे यार, तू बाहर दूसरे बाहर भाई जी कुआड़ कौन बजा सको थे, अगर थे वॉयलेशन करना रहे हो तो थर के लिए कार्रवाई होती, सिक्योरिटी बात गया था गांव में जो पड़ोसी है तुड़ी ट्राली रिताई है, तू गली रोक दे आप रोक दिया, कोई दिक्कत ही को नहीं हुआ मतलब। अच्छा बिंग की अब मैं थाने एक एक्सपोज करने चाहूँ एक चीज भी, थे जगह उरे चंडीगढ़ में जगह फ्लैट आ रहा मालिक बोल रहे मारे एक बात थानू भी, थे उरे 70 लाख रुपया हम फ्लैट ले लियो, और गांव में बड़ी दिक्कत लोग बोले अपने पुड़गांव में फ्लैट है, चंडीगढ़ में फ्लैट है, क्योंकि गांव का सारा लोग आगे कौन देख सके। गांव में 70 लाख रुपया में अगर तकड़ी तकड़ी जमीन अपने गांव में मिलने ला रही है तो 20 लाख रुपया किलो मिले, 3 किला जमीन आ गई, 3 किला में 10 लाख रुपया की बढ़िया कोठी बनाओ, अच्छा भी चारों में दरखत लगाओ बड़ा बड़ा लगाओ अपने, क्योंकि अपा जगह एरिया में भी मां सारा बांध गया आम पीपल अमरूद सेब क्यों पेड़ लगा लेते,
दरखत लगाना है, दरखत लगायो चंडीगढ़ अपना आगे फैल है। हाँ ठीक बात है, देख लेना रही है सारी है ऐसी वाला है। अरे जी कोई आदमी होगा शायद अठे कोई अपने आप में खाम का होगा कोई कोई हो उसका कटो पोया सोचा भी मैं अरबपति खरबपति आदमी साला ने गांव में ले जाए बाल में पड़ागो अठे जी मरगो फ्लैट में मर गयो तो एम्बुलेंस में घाल गए मुसाना में ले जाए गेर गए बिजली बुलाई बाल दी लकड़ी घी खोपरा सामग्री नसीब नहीं होगी जब कितो याद नहीं हुआ। अरे पहली बात है आम मामला के औलाद बाप माँ बाप रखे भी कौन रखे तो आज तो ये चीज वो एक रही मतलब आज दिखानी बहुत जरूरी है इतने पीछा गमंड ना करियो मैं दाओ कुआ नहीं लोग बेजमा सुखी हाँ डाणी में रहा घर की सब्जी घर को पानी आसर दिन उठ के बैठ तो पत्ता खेल गया दो तीन घंटा फिर बीच में सारा काम सा तय करा ये बात अच्छा वाक्य भी है लेकिन आज के दिन है ना सतवीर है लोग वाक्य में त्रियांगा शहरी जिंदगी ने ना यू तस है यू लगे जाऊ क्यों की चीज है अठे नस्ल खत्म हो रही करेक्टर खत्म हो गयो थाने एक बड़ी शहर में जगह मोटर नहीं आगी लुगाइया में छोरिया में कोई मैटर को नहीं ऊपर से सीधी सी बात है आगे किंगी लुगाई की सागे फिर किंगी छोरी की सागे फिर वो तो मतलब हर मतलब है 10 पाउंड आबाद में एक होटल है बड़े कमरों मिले हो थान मतलब एनिथिक धंधा हुआ है कमरों फ्लैट भी है तो और की है भी है मतलब वो एक सीन है। दूसरा मैटर गांव में कम कम चलो मानन तो गांव में भी रह गया अभी 30 डिग्री बेकार हो रही है थर्टिंगर बेकार बताते हैं गढ़ पड़ेगा दूत लेकिन फिर भी नहीं थोड़ा बहुत एक संकोच जरूर है अभी लेकिन अठे में आज दो तीन दिनों में पूरी गौर करिए भाई जी सीधा जाटा रोडो पे हाथ ला के 2 दिन हो गया बंट काट दिया एक 2 दिन और घुकाऊंगा बस बात है ना तो अठे करेक्टर है ना कोई इज्जत है ना कोई इंसानियत है ना कोई आदमी की वैल्यू ही कोनी मतलब ही कोनी एक दूसरे को कोई मतलब कोनी आपकी ऐसी तैसी कराओ दुनियादारी बस आपको काम निकल जाए आपका फ्लैट में पड़ गया जहाँ लगा जाए देश के लोग पानी में बह गयो आप मान लो हकीकत है हमारे तो सहन हुई कोनी भैया तो तुम यही सोचो अभी वीडियो बना के दम थोड़ा देश दारू पी के फिर गली हम कोई किंगी लुगाई की सागी फिर किंगी लुगाई की सागी फिर एक नई चीज और देखी इला फ्लैट आ रहा है इला सागे जा रही है इला सागे जा रही है हम तो रोल की दौड़ हो रही है ना कोई पूछा ना कोई बात तो आप मतलब जो को संस्कृति है खानो है वो जमा खत्म होने ला रही है कोई बहम हुआ है मतलब यहाँ बोलिया हला वाला करे तो भाई धक्को ना करी तू देर पार भी कौन पड़ेगी सीधा ही जाटा भाई तो यो सीन है भाई अब देख को कबूतर खाना है नहीं चिड़ियाघर में भी जो पशु पक्षी कैद किए जाते हैं उनको स्पेस दिया जाता है कोई स्पेस नहीं अबे रही है इल पास देखा तो ओ सीन है पल्लो तो जमा ही है एकदम और जमा ही है कभी ऐसी सा सा लाग रहे है देखो दे मेरे पीछे है ऐसी सा लाग रही है ना ये तो जमा ही है और इल पास भी थोड़ा सा पुराना फ्लैट है यो तो अंग मा यो सीन है लेकिन एसी वाली बात जी की है वो सतवीर बताइए वो वाकई में सही बात है अभी एसी तो अठे जी कौन सी नौ फ्लैट है नौ दिखा एक में मतलब 3 BHK है तो 3 लाग रही है अगर 4 को है तो 4 लाग रही है जगह कमरा में एसी नहीं वो कमरो नहीं है बाप मतलब बिंगड़ेगा नहीं तो स्टोर रूम में कोई और इंद्रिया है बाकी एसी है जिंदा है नहीं तो कौन जिंदा आपने टाली तले माथो ढड़े राबड़ पी के सोया दिन या 9 बजे 4 बजे तक कोई परवाह को नहीं तो ये बात है तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ये हमने जो बताया है सतवीर ने बताया तो अब बिंग है बारे के माँ अगर तनियो लाके अभी झूठ वाले तो ही कमेंट करियो और सही बात कहे तो बिंग ऊपर भी थे तारी राय जरूर रखी और धनिया लाके अभी जिंदगी वाकई में नरक वर्गी है तो और जी का अपना युवा साथी है वह भावना नाम वह इंगे खातर थे बन भी जागरूक करण भी वीडियो शेयर जरूर करियो।